आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई। तो लास्ट क्लासेस में हमने पावर बीआई की डेटा कनेक्टिविटी के बारे में बात किया था कि आप डेटा को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। डेटा कनेक्टिविटी में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप एक्सेल फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप ऑनलाइन सर्विसेज को कर सकते हैं। तो सारे चीज एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लासेस में। हाँ सर, ऑनलाइन सर्विस का सर नहीं थे किया। ऑनलाइन सर्विसेज में जैसे कि ऑनलाइन से शेयर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, ऐसे जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फेसबुक, मुझे फेसबुक से कनेक्ट फेसबुक का डेटा चाहिए, मैंने अपने फेसबुक का मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद लॉगिन पूछेगा। अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ तो लॉगिन नहीं पूछेगा। देखिए लॉगिन नहीं कर रखा हूं तो लॉगिन नहीं पूछा, वरना लॉगिन पूछता तो अपनी यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी में यहाँ मी रहने दीजिए डिफॉल्ट, और यहाँ से आपको क्या चाहिए, जैसे मैंने बोला मुझे चाहिए अपने पोस्ट, राइट, पोस्ट का डेटा चाहिए, देन ओके किया और देखिए आ गया सर। जो जो मैंने पोस्ट किया है वो सारा पोस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यानी यहां से हम फेसबुक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, फेसबुक लिंक की कंट्रोल नहीं, आप वहाँ का डेटा ले सकते हैं। जैसे कि एक फेसबुक लिंक की जैसे लोग पे वो लोग करते हैं, जैसे मान लो जो फेसबुक पे अपना ये देते हैं, हाँ एडवर्टाइजमेंट देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो वो लोग ये करते हैं ताकि वो ये कर सके, ये रख सके कि हाँ कितना दिखा है कितना नहीं दिखा है, कितने लोगों ने देख मतलब कितना व्यू गया है, कितना क्या गया है, पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। ओके ओके ठीक है। जैसे अगर मैसेज यहाँ पे अगर आप देखें मेरे डेटा में जाके, तो ये पूरा यूट्यूब का डेटा आ गया, मैसेज कंटेंट आइटम और आईडी। ठीक है, इस तरह से डेटा को लिंक कर सकते हैं। क्लियर है सर आपको? हाँ सर। तो मैं एक बार एक रियल डेटा को कर लेता हूँ। मैं यहां से नहीं इसको करता हूं, मैं इस पे नहीं करता, मैं जाता हूं अपने डेटा में। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा वन को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से लोड कर देता हूँ। तो यहां पे अब बात करते हैं अपनी विजुलाइजेशंस के लिए। ठीक है, विजुलाइजेशन मतलब कि ये आपका सबसे पहले देखिए अपने डेटा के ऊपर, ये जो यहां पे आपका होता है ये आपका डेटा हैंडलिंग होता है,
सबसे पहला आपका ये रिपोर्ट व्यू होता है, दूसरा आपका ये क्या बोलते हैं डेटा व्यू होता है, और तीसरा आपका जो यहाँ पर होता है ये आपका मॉडल होता है, ताकि आप इसमें अपने जितने भी डेटा शीट आपका कनेक्टेड है उस डेटा शीट में आप अपना यूज कर सके। ठीक है, तो तीन आपको यहां पे व्यू दिख रहा है, तीनों समझ गया? हाँ सर। यहाँ पे ये आपका कैनवेस एरिया होता है, और नीचे आपका जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, मतलब कि आपकी जो रिपोर्ट बनेगी इस लाइनिंग के नीचे आएगी। यहाँ पे रिपोर्ट्स और बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टी वगैरह दिखता है यहाँ पे। तीन बाय डिफॉल्ट तीन विजुलाइजेशन होता है, ये आपका फिल्टर होता है, दूसरा विजुलाइजेशन होता है, तीसरा फील्ड होता है। फील्ड मतलब जैसे कि जहां से आपका डेटा सिलेक्ट फील्ड होता है, जैसे मान लीजिए मुझे अगर रिपोर्ट बनाना है क्वांटिटी का, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया, ठीक है, और यहां से आप अपनी विजुलाइजेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और विजुलाइजेशन के ऊपर ये आपके फिल्टर्स होते हैं। तो तीन आपका भी होता है, फिल्टर्स, विजुलाइजेशन, या तीसरा आपका होता है फील्ड। ठीक है सर? Yes, sir. फील्ड में अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जितने डेटा होंगे उतने डेटा के फील्ड होंगे, डेटा वाइज इस तरह से होगा। जैसे दो डेटा था तो वहां पे दो फील्ड थे, ठीक है सर? तो विजुलाइजेशन में आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपना जैसा विजुलाइजेशन चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो जो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे तीन चीज दिखेगी। पहली दिखेगी वैल्यू मतलब फील्ड्स, दूसरी आपको दिखेगी फॉर्मेट, और तीसरा आपको दिखेगा एनालिटिक्स। तो वो अभी जैसे इसमें क्या क्या ऑप्शन होगा वो चेंज होता है प्रॉपर्टी ऑफ डेटा के बिहाफ पे, जो डेटा होंगे उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी चेंज होते रहता है। जैसे कुछ चीज ऐड होंगे कुछ चीज ऐड नहीं होंगे, वो आपकी जो विजुलाइजेशन आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यस। उसके बाद पोजीशन, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे प्रोडक्ट रख दिया, प्रोडक्ट भी रख दिया, तो प्रोडक्ट में आगे तो यहां पे देख रहे हैं कि क्वांटिटी यहां पे पहले आ रहा है फिर प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ से आपने पिवट टेबल की तरह जैसे फील्ड चेंज करते हैं ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो आपका यहाँ भी स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीओ में हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से देखिए अब चेंज हो गया ना, इससे पहले तो बहुत सारी चीजें आ रहा था वैल्यू में, अब कम गया, ठीक है ना सर? तो आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये चेंज होते रहता है। उसके बाद फिल्टर भी उसी हिसाब से होता है जो फिल्टर आप लगाना चाहते हैं। ओके, और ये जो एरिया होता है उसको कैनवेस एरिया कहते हैं, मतलब कि इसी पे आपका रिपोर्ट होता है, ठीक है, और इस सॉरी चीज और है, जैसे कि मैंने यहां पे राइट क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, नहीं वाला मैं क्लिक तो भी कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करते ही आपका डेटा का एक यहां पे आ जाता है इस तरह से, इसको बोलते हैं स्लाइसर। ठीक है, या कमेंट हो सकते हैं इसको, दिख रहा है आपको काउंट ऑफ नेम 9 है, जितने नेम अकाउंट कितने 9 नेम अकाउंट है। तो इस तरह से यहाँ पे अब इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे इसको यहां से भी किया जाता है
इसको कार्ड बोलते हैं, ठीक है, इस पर हम डिटेल आपको बाद में डिटेल करेंगे। और अगर आपको कई सारे पेज ऐड करने हैं तो यहां से पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि पेज वन पे क्या हम पेज टू का कोई रिपोर्ट रख सकते हैं? नहीं, ये आपका इसके जैसा नहीं होता है, टैबलू जैसा नहीं होता कि अलग अलग सीट बना फिर डैशबोर्ड में कंबाइन करें, यहां पे हर एक डैशबोर्ड ही होता है, ठीक है। तो कई सारे पेज मतलब कि अलग अलग एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए अलग अलग पेज आप यूज कर सकते हो, ओके। हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। अब विजुलाइजेशन को समझ लेते हैं, कौन सा विजुलाइजेशन क्या के लिए होता है। ए, बाकी एक बार एक्सप्लेन जस्ट कर देता हूं। आपका होता है, आपका ये आपका बार चार्ट होता है, स्टैक बार चार्ट होता है, ये आपका स्टैक कॉलम चार्ट होता है, मतलब कि परसेंटेज में दिखाता है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो अभी तो जस्ट बार चार्ट दिखा रहा है ना, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें क्वांटिटी भी है, प्रोडक्ट है, अमाउंट अमाउंट है, एक एमआरपी भी हो, एमआरपी अमाउंट आई थी, मैंने इसको भी इसके अंदर रख दिया, तो अब आपको दिख रहा है सर? यस सर। ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। अमाउंट सिटी जी टोटल टोटल क्वांटिटी, डेटा देखा होगा, हाँ अमाउंट में सब 365 ही है, चेंज भी है, ओके। उसके बाद क्योंकि इसमें दो का होता है, दो आपस में कंबाइन होते हैं, दो अलग अलग करना है तो फिर इस चार्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो इसमें अगर आप दो रखते हैं तो दो अलग अलग बार आता है, ठीक है सर। अगर मान लीजिए तो मैंने अगर अमाउंट को रख दिया तो आपको दो अलग अलग बार आएगा इस तरह से, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, वही होता है। यहां पर फिर आपका 100% आता है, आपका 100% में कंट्रीब्यूशन दिखा देगा कि किसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। देख रहे ना आपको 61% इसका प्रोडक्ट में अमाउंट है और ये आपका 38% जो है ये आपका क्वांटिटी है, इस तरह से में दिखा सकते हैं। ऐसे आपका एक लाइन चार्ट होता है, लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका एरिया चार्ट होता है, ये आपका स्टैक एरिया चार्ट होता है। यहाँ पे आप दो चार्ट को, इसमें जो आपका होता है लाइन स्टैक कॉलम चार्ट होता है, दो चार्ट को आपस में कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपका वाटरफॉल चार्ट होता है, ठीक है, ये आपका जो है आपका डॉट चार्ट होता है, मतलब कि स्टैक चार्ट बोलते, स्केटर चार्ट बोलते हैं, ये आपका पाई चार्ट है, ये आपका डोनट चार्ट है, ये आपका ट्री मैप है, और ये आपका मैप है। तो मैप, ये आपका सिटी वाइज मैप होता है, तो मैप दो है, ठीक है ना, एक फील्ड मैप होता है, दूसरा जस्ट मैप इंडिकेट करता है। फील्ड मैप में क्या है कि आपका जितना जिस सिटी में डेटा होगा वो सिटी फिल हो जाएगा। ये आपका इसको बोलते हैं पुनल चार्ट, क्योंकि पुनल चार्ट के अकॉर्डिंग डेटा नहीं है इसलिए दिखाया नहीं, उसके अकॉर्डिंग डेटा होगा तो भी दिखाया। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वांटिटी को रख दिया इसमें वैल्यू, और मैंने रख दिया नेम को, तो पुनल चार्ट का अकॉर्डिंग डेटा चलता है, ठीक है ना, इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है सर। हाँ सर, चलिए
उसके बाद ये आपका गुड़ चार्ट है, मीटर चार्ट, ये आपका कार्ड होता है। कार्ड मतलब जैसे कुछ यहाँ पे एड रखना चाहते हो आप तो कार्ड में रख सकते हो, कुछ हेडिंग वगैरह दे के। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे, मैं मान लीजिए कि यहाँ पे चाहता हूँ क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी रख दूंगा तो बता देगा क्वांटिटी कितना है। तो इस तरह के रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं। मल्टी रो कार्ड होता है, जैसे ये तो एक ही दिखाया, एक साथ कई सारे चाहिए तो आप मल्टी रो कार्ड दे सकते हैं कि नेम इतना है, इस तरह से मल्टी रो काउंट दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका ये आता है केपीआई होता है, की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। बारे में आगे हम उसके अकॉर्डिंग वो आपको ये सब बनेगा, डेटा उसके अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद ये आपका स्लाइसर है कि आप स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हो, क्या क्या आना चाहिए तो स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने प्रोडक्ट का स्लाइसर इंसर्ट कर दिया तो जो सिलेक्ट करूंगा उसके लिए उसके हिसाब से डेटा चलेगा। जैसे कि आप पिवट टेबल में करते थे, हाँ ये आपका डेटा टेबल में चाहिए या आपका मैट्रिक्स टेबल में, मतलब इसमें सिर्फ रो आएगा या आपका रो एंड कॉलम दोनों आएगा। उसके बाद अगर आपने कुछ प्रोग्राम कुछ रिपोर्ट्स ऐसे बना रखी जो कि आर से चलने वाली जो डेटा कनेक्टिविटी का आर का या पैथन का है, तो उसका इस्तेमाल आप इससे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका ई इन्फ्लुएंसर होता है वो, ये भी आपका ये जो है अपना कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा इसके अकॉर्डिंग डेटा डाल के। उसके बाद यहाँ पे किसी से रिलेटेड अगर क्वालिटी कमेंट देना चाहते हो तो यहाँ पे कमेंट आप लिख सकते हो, जो कि सिंपल डबल क्लिक करने से आ जाता है। ठीक है, और ये आपका ए आर जी जी आई एस मैप और इसका होता है, ए आर्क मैप भी, वगैरह जो हाँ पावर बी आई के लिए स्पेशल बना होता है उसके में, इसके बारे में आगे आपको सुनाऊंगा। ठीक है सर, हाँ सर, और ये आपका वही होता है, ये आपका वही मैप से रिलेटेड होता है जिसका यूज हम बहुत करते हैं। इससे रिलेटेड कोई और है जैसे इम्पोर्ट फाइल या इम्पोर्ट मार्केट प्लेस या कोई ऐसा आपने कस्टम बना रखा है उसको यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, उससे रिलेटेड फिल्टर या होंगे और यहाँ इससे रिलेटेड आपके उसके फॉर्मेट्स होंगे कि भाई कैटेगरी रखना है, डेटा का कलर कैसा होना चाहिए। जैसे मुझे कलर अलग चाहिए तो यहाँ से अलग कर लेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग के बारे में कल देखेंगे, आज हमने आपको विजुलाइजेशन और कैनवस के व्यू के इसके मतलब इसको इंटरफेस के बारे में समझाया। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी टाइम पे फॉर्मेट्स के बारे में कि किस चीज के लिए क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती है। हाँ ठीक है सर, तो मिलते हैं कल।